तो भाई साहब जो जो लोग बिहार शरीफ या आसपास के लोग हैं जिनका और आई स्कूल में ऐसा रहता है भाई साहब। अब पता चला तो हमको तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी सीन ऐसा है, हमारे घर में जबरदस्त लड़ाई हुआ था बट हमें पता ही नहीं चला, ना मम्मी को पता था ना मम्मी। हम इस रूम में अपना काम कर रहे थे एडिटिंग वगैरह का, बाकी दोनों इस रूम में थे। दोनों मतलब भयंकर लड़ाई किया लेकिन किसी को नहीं पता चला। अब संतोष को दिखाते, संतोष देखे, संतोष तुम्हारा हाथ है ये देखो, इधर इधर चप्पल रूम में हाथ दिखाए, हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा, अरे दिख, अरे दिखा ना, देखा देखा कहाँ, देखे कहाँ लड़ाई क्या, देखे देख कटल कटल। अब पता किसी को चलने ना दिया कहाँ है, हैं अब बात करने अब पता चला तो हमको दबाएगा को पता था क्या दोनों लड़ाई होता है, अगर पता चल जाएगा तो यही कुटा जाएगा। मैं अपना सोचता हूँ कि एक महीना लगातार ट्रेवल करूँ बट 10 दिन के अंदर मैं थक जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता ना 10 दिन के अंदर, तो मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन अब निकलूंगा ना, अब मेरा कुछ लंबा प्लानिंग कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो किया होगा तो पता चल गया होगा लंबा मतलब कितना लंबा। अभी इसका पूनम का एग्जाम भी है तो फरवरी में, तो एग्जाम दिला कर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ। तुम तो खुद, तू इतना पढ़ा लिखा है कि तू खुद ही दे देगा, हम अनपढ़ लोगों का एग्जाम दिलाते हैं तो तू अनपढ़ ठीक है। गाड़ी को कितना अच्छे से पोछ के रखे थे संतोष, देखो तो नेट आ दिया पुनः। पूनम ठीक है, हाल समाचार? हम चेहरा ना दिखाएंगे, भाई बहन हो तो ऐसा हम लड़ाई के हदे पार कर देते, गिरेगा ना ना। इसको थोड़ा सा ढिलाई क्या दो फिर भाग जाता रोड पे चलाने के लिए, जाने की जरूरत नहीं है, जाविद है ना, मुझे लगी हुई है भूख, फिलहाल खाना फिर खाते हैं उसके बाद चलते हैं मार्केट। ओ, संतोष हमें कुछ डोनेट कर रहा है, भाई गरीब को कुछ देते यार, अब हमको देते हैं। अभी तो बोला कि 20 रुपए समोसा खाने का दे रहा है। अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल भिखारी है, 50 रुपए लगे, 50 रुपए से हम कम भीख लेवे नहीं करते, मतलब आज मिल गया हमें 50 रुपए 50 रुपए। नहीं नहीं, अब ना देंगे। एक्चुअली सीन ऐसा, अरे अभी हम जा रहे हैं बिहार सिर्फ, एक्चुअली कुछ काम है एंड सारा काम डन हो चुका फिलहाल, हेलमेट और कुछ छोटा नहीं ना, एयरफोन तो मेरे पास है ही, फोन तो एक घर ही पे रह देते फिलहाल, लेके सब चीज़ें निकलते हैं गाइस। जाने से पहले मस्त लाली को भी धो दिया बढ़िया से एंड अभी फिलहाल निकलते हैं हम लोग। सो फिलहाल अभी निकलते हैं, फिलहाल अभी टाइम के पास होते हैं फ्यूल लगाने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार शरीफ फैक्ट्री, किसने आए थे एक्चुअली, ये सामने आपको क्लिनिक दिख रहा था, इसी का आज ओपनिंग है तो इसी में इनविटेशन आया था तो बस आ गए थे। पूजा वूजा में आए थे, पूजा वूजा कंप्लीट हो चुका, नाश्ता वास्ता करना हो चुका, अभी फिलहाल यहाँ सब लोग चलेंगे एक दोस्त के पास। सर कैसे? बढ़िया, बहुत दिन के बाद दीपक ब्लॉग से मिले हैं भाई, कहाँ कहाँ ट्रिप मार रहे हैं, कल्ले कल्ले पूछते भी नहीं है अब, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, बड़े लोग अभी बिहार से आए थे एक्चुअली, भाई से मिलने आए थे, हमारा थोड़ा सा काम था, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बिहार से बुलाए इनको, ऐसा कुछ नहीं है बाकी। अभी क्या हाल है? अभी हम लोग आए थे बिहार शरीफ एक्चुअली, इसी का चचा का ना, चचा का हुआ ना, हाँ चचा का क्लिनिक है ये, देखो देख रहे हो आप लोग, न्यूरो क्लिनिक बिहार शरीफ में, शायद पूरे बिहार में, बिहार शरीफ में, पूरा बिहार शरीफ में, पूरा बिहार शरीफ में मतलब फर्स्ट ही है इधर खुला है, तो इसी का ओपनिंग था तो हम आए थे, बाकी हमारे साथ और पंटर लोग हैं, अभी सब लोग तो कॉफ़ी वॉफी पीने में लगे हुए हैं ना तो फिलहाल यही है, और जिन लोग बिहार शरीफ को होंगे तो शायद आकर विजिट कर सकते हैं ना, आज तो फ्री होगा ना। हाँ, अरे नहीं भी है तो आ जा एक बार देख लो है ना, अंदर तो अभी नहीं गए भाई, जूता खोलने के चक्कर में अभी तक अंदर नहीं गए, बाहर से ही अभी फिलहाल ना हम लोग अभी चलते हैं अंदर, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अंदर ऐसा है बात में ना, ओपनिंग हुआ तो अभी मतलब थोड़ा सा चीज़ें अरेंज किया जा रहा है, सर बेड वेड बनाया गया है ना, सही है बिहार में फर्स्ट है बाकी। अच्छा ज्यादा देख रहे हैं, जो भी डॉक्टर है सब BHU से क्वालिफाई है ना, ये ICU ये है ना, आज तक अभी अंदर गए नहीं भाई साहब, ऐसा सीन रहता है ना ये सब मशीन वगैरह,
ये सब कोची का मशीन है, थोड़ा पता है कि ना? डॉक्टर वैसे सब मेडिकल लाइन का ही है। अच्छा, ऑपरेशन अपने को तो मेडिकल वेडिकल का पता नहीं है, तो फिलहाल ऐसा ही है। और आईसीयू में ऐसा रहता है भाई साहब, अभी तो मतलब फिटिंग हो रहा है ना सारा चीज़। हाँ अभी तो भाई साहब, जो जो लोग बिहार शरीफ या आसपास के लोग हैं जिनको अगर ब्रेन नस वस का कोई भी प्रॉब्लम है तो आओ, मेरा नाम लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ डॉक्टर, ये ऑपरेशन थिएटर होगा। अच्छा अच्छा। रंजन रमन MBBS पटना से और MS दरभंगा एंड MCH न्यूरो सर्जरी बनारस BHU से अभी किए हैं, 3 महीने पहले पास हुए हैं। अच्छा, पहले यहाँ के लोगों को, मरीजों को सिर में चोट लगने पे, सिर में, ब्रेन में, स्पाइन में, किसी चीज़ में कुछ भी दिक्कत हुआ तो सीधे पटना आता था। बिहार में, बिहार शरीफ में तो कोई नहीं है, ये फर्स्ट है बिहार शरीफ में। और यहाँ पर मरीजों के लिए क्या क्या सुविधा दी जाएगी? तो सीधे पटना जाता था, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था, यहाँ पैसे भी कम खर्च होंगे। यहाँ सिर का, चोट का कुछ भी होगा तो यहीं हम देख लेंगे, यहीं कर देंगे ऑपरेशन का, ऑपरेशन कर देंगे, दवा से होगा दवा से ठीक कर देंगे। शरीर की किसी भी जगह में नस में कोई गड़बड़ी होगा उसका सारा जाँच करेंगे, उसका सारा इलाज करेंगे। ब्रेन और स्पाइन के सम या नस, जितना तीनों चीज़ों के हिसाब से जो भी होगा, जो पटना में होता है, बनारस में जो भी इलाज होता है, तो यहाँ पहले का सीन ऐसा होता था कि अगर किसी को अगर अंदाज की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता तो लोग पटना जाते थे, बट पटना जाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब तो ये चीज़ें आपके हमारे सिटी में बिहार शरीफ में ओपन हो गया, तो अगर आसपास से किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो एक बार आइए। एंड लोकेशन बता दीजिए एक बार। पुराना अग्निशामक के सामने सीन ऐसा उद्घाटन पे आना था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है अंजनी, चलते हैं। ठीक है, सो फिलहाल अभी निकलते हैं। एक्चुअली सीन ऐसा कि एक दोस्त है, उसका भी बर्थडे वगैरह अभी है। सीन ऐसा गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं भराव पर। एक्चुअली एक दोस्त है, उसका बर्थडे है और बर्थडे इसी में सेलिब्रेट कर रहा है, तो अभी हम फिलहाल चलते हैं ऊपर। साथ में राजा भी है, तो सब लोग हैं। बहुत दिनों बाद आते हैं ना बिहार से, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कहीं ना कहीं से पार्टी करने का। फिलहाल का सीन ऐसा, हम लोग तो आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। बाकी बर्थडे बॉय किधर गया? बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे अगेन। तो भाई पार्टी दे रहा है ना, जोरदार है ना। वगैरह तो हो चुका, फिलहाल हम लोग पार्टी वार्टी तो हो चुका समाप्त। अभी प्लान है एक दोस्त के रूम पे चलेंगे या तो फिर देखते हैं घर चलेंगे। हो चुका है ऐसे तो शाम, अगर अभी से जाएंगे घर तो हो जाएगा रात। और ठंड में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, बट देखते हैं क्या सीन होता है आगे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे, रबीना भाई के रूम पे है ना। अभी साथ में कर रहे हैं बोन फायर, इधर वन फायर का मजा उठा रहे। ठीक है, ये चीज काफी राहत देता है, अच्छा भी लगता है। बिहार में ये चीज बहुत जरूरी है। इतना तेज जल रहा था कि मुझे हटना पड़ा, नहीं हटते तो मेरा ये जैकेट करके आ जाता भाई। और 2-3 दिन से ब्लॉग सही से नहीं आ रहा, बिकॉज डालने का तो डेली डाल सकते थे, बट कंटेंट अच्छी बनाने के ट्राई में एक दिन लेट डाल रहा हूँ। कहीं निकलने का हम लोग प्लान बना रहे, बाकी अभी तो यहीं पे, कल निकलेंगे घर, घर से कल निकलना हमें पटना भी है, तो पटना से फिर पटना में कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो वो निपटाना, उसके बाद फिर एक जगह जाना है। बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।